हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक एप्पल की ऑल इन वन मशीन आई हुई है जिसका मॉडल है A1419। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये बीप साउंड करता है, बीप की रैम नहीं उठा पाता है या डिस्प्ले नहीं बन पाता है, उसी की प्रॉब्लम आप देखेंगे खोलने के बाद। सबसे पहले हम बताते हैं खुलता कैसे है, स्टार्ट करते हैं खोलने से, क्योंकि इसको खोलना भी एक टिपिकल टास्क होता है, हर किसी से नहीं खोल पाता है, कुछ बंदे इसको तोड़ भी देते हैं खोलने में, और इसको खोलना भी एक बहुत टिपिकल टास्क है। तो हम आपको बताते हैं, हमारे पास इस टाइप का एक कटर होना चाहिए या हमारे पास कोई ब्लेड होना चाहिए। इसमें क्या होता है, चारों तरफ टेपिंग होती है, यदि हम इसको ऐसे कुछ भी डाल के यदि खोलते हैं तो स्क्रीन पे प्रेशर आके ये टूटने का चांस रहता है इस गिलास का, जो इस पे गिलास लगा होता है, तो उसके लिए हमें ये यूज करना होता है। और इसको अंदर धीरे से यहाँ जो होता है उसमें इसको डाल के घुमा देना होता है, चला देता होता है। इससे क्या होता है, हमारी टेप कट जाती है, बड़े ध्यान से करना होता है, क्योंकि जरा भी ऊक चूक हुई इस पे तो आपकी स्क्रीन टूटने का चांस रहता है, बहुत ही ध्यान से करने वाला काम होता है। यही ब्लेड का काम करता है ये कटर, यदि आपके पास है तो आप आसानी से खोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, पूरा टेपिंग होता है, गमिंग होती है पूरी टेप, बहुत बड़ी खतरनाक वाली टेप इसमें लगी होती है। और इसको निकालने के लिए भी हमें चारों तरफ से पूरा एक जैसा ही प्रेशर होना चाहिए, यहीं से भी कहीं से कम ज्यादा प्रेशर यदि होता है, और एक बंदे से नहीं खुलवाना चाहिए कि दोनों बंदे का दो की गिरने का भी चांस रहता है, बहुत भारी होती है। इसको हम धीरे धीरे खोलते हैं, ये आप देखो में हमारी स्क्रीन रख रही है, ये पूरा गमिंग होता है इसमें, पूरा टेपिंग होता है, ये आप देखो में चारों तरफ ये टेप जो होती है बहुत ही हैवी होती है, यदि हम इसको वैसे जबरदस्ती खोलेंगे किसी उसके ऊपर नीचे करने के तो ये टूट जाता है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसमें प्रॉब्लम जो है कि ये बीप करता है, साउंड आती है इसमें, जब हम इसको ऑन करते हैं तो बीप की साउंड आती है, वो हम आपको अब दिखा देते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब हम इस ऑल इन वन पीसी को डिसेंबल कर रहे हैं, इसके हर एक पार्ट्स को अलग करेंगे और इसके बाद मदरबोर्ड को चेक करेंगे। दिल्ली एनसीआर में एप्पल के ऑल इन वन पीसी को बहुत ही कम लोग रिपेयर कर पाते हैं, इसलिए अगर आपको इस पीसी को रिपेयर करवाना है तो किसी विश्वसनीय सर्विस सेंटर से ही रिपेयर करवाएं। ये वाईफाई या एंटीना भी बड़ी ज़बरदस्त रेंज होती है, आप एंटीन देखोगे चार चार एंटीन लगे हुए हैं आजकल तो आपकी मशीन में, देखोगे आप अपने लैपटॉप वगैरह में, नॉर्मल वालों में भी देखते हैं तो एक एक दो दो ही एंटीना, एक ही एंटीना आ गया, पहले तो दो दो आते भी थे लैपटॉप में, इसलिए ये मशीन बहुत अच्छी होती है एप्पल वाली कि इनकी सारी चीज़ें ही आप देखोगे बहुत ही हैवी ड्यूटी लगी होती है, आज भी इनमें इतनी हैवी ड्यूटी ही लग के आती है मशीनें। ये आप देखोगे इसका मदरबोर्ड हमने बाहर निकाल दिया है, और बाहर निकालना भी इसको एक बड़ी मशक्कत का काम होता है, ऐसे ये बोर्ड बाहर नहीं निकलता, आप देखोगे चर्चर रैम लग रही है, इसको इतना इजी नहीं खुलता है, बहुत ही मशक्कत के बाद ये बोर्ड बाहर निकला है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है, रैम हटा के लगाना तो हमने पहले ही कर लिया था, उसकी नहीं है प्रॉब्लम, बोर्ड सेक्शन से इसकी प्रॉब्लम है, तो वही हम इसमें आपको दिखाते हैं कि कैसे चेक करते हैं। तो ये आप देखोगे एप्पल A1419 ऑल इन वन का मदरबोर्ड और सप्लाई भी ओपन होती है, आप देखोगे वैसे हम नॉर्मल डेस्कटॉप में देखें तो सप्लाई वैसे होती है, और आजकल की ऑल इन वन मशीन में सप्लाई इनबिल्ट आ गई है लैपटॉप के जैसी, पर इसमें सप्लाई बहुत अच्छे से अलग से ही दिया हुआ है, इसलिए ये हैवी ड्यूटी होता है, 10-10 साल इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यही कारण है कि ये मशीन इतनी महंगी होती हैं और इतनी अच्छी होती हैं और टिकाऊ भी बहुत होती हैं। तो ये अब हम सेटअप पे ले आए हैं, इसको रिपेयर करते हैं,
यदि आपके पास भी कोई भी मशीन हो इस टाइप की, कोई भी एप्पल की ऑल इन वन हो, एप्पल का लैपटॉप हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एप्पल का आपका डिवाइस हो, तो सूरज कंप्यूटर्स इनमें डील करते हैं। आप सूरज कंप्यूटर्स से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स नेहरू प्लेस, दिल्ली, द्वारका, गुड़गांव, हर जगह ये इनकी हमारी ब्रांचेज हैं। तो आप हमें कहीं पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।